ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब बताओ है कोई प्रॉब्लम? बता सकता है कोई एक भी कमी? निकाल सकता है कोई एक भी बुराई? ये है परफेक्ट दुल्हन, है ना? अंत भला तो सब भला। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। देखा ना, दुल्हन बनना इतना आसान नहीं होता। तुम लोगों की दुनिया में तो सब कुछ सपनों की तरह आसान होता है, लेकिन हमारी दुनिया में एक दुल्हन बनने के लिए भी कितनी मुश्किलें, कितनी अड़चनें, कितनी रुकावटें, और वो भी सिर्फ अपने दूल्हे को रिझाने के लिए। बोलो आगे। हाँ बस हो गया, अब हमारी दुल्हन पूरी तरह से तैयार है। मैंने कहा था ना सब टाइम से हो जाएगा। अरे बारात आती होगी, अब तू जल्दी से अपना सुहाग जोड़ा भी पहन ले, चल आज। अक्षरा कितनी सुंदर लग रही है ना, आज तो बिजली गिरने वाली है जीजू पर, सब तुझे ही देखते रहेंगे। सुन लिया, अब थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। ये पहनने वाली है, कितना सुंदर है ना? दुल्हन का जोड़ा है मैडम। आंटी ने कितना सुंदर कलर पसंद किया है ना? सच में इसमें तो हमारी अक्षरा एकदम फूल जैसे खिल उठेगी। वैसे ये जोड़ा दूल्हे के घर से आया है। अच्छा, ये तो जरूर जीजू की पसंद होगी अपनी प्यारी से दुल्हन के लिए। हाँ भाई, इसीलिए तो इतना खास है, जीजू अपने रंग में रंगना जो चाहते हैं इसे। वर्षा भाभी, अक्षरा दीदी, बारात आ गई। चलो 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 बारात देखते हैं। दिन वाले आ गए हैं अपनी दुल्हनिया ले जाने के लिए। अरे वर्षा चल हम भी देखकर आते हैं ना। चल मैं भी देखूंगी। तुझे बारात देखनी है या फिर अपने दूल्हे को? चुप कर। अच्छा चलो तुम जल्दी से चेंज कर लो। क्या दिव्या दीदी, अपनी ही शादी में मैं अपनी बारात नहीं देख सकती। पहली बार देख रही हूँ ऐसी दुल्हन जो अपनी ही बारात देखने के लिए इतनी उतावली हो रही है। हाँ। अरे अक्षरा इतना टाइम क्यों लग रहा है? दीदी मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। अब क्या हुआ, और तुमने अभी तक शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना? नहीं पहन सकती ना। लेकिन क्यों? ये कुर्ता बाहर आए तो पहनू ना, इसका गला इतना छोटा है कि जैसे ही उतारने लगती हूँ तो मेरे बाल खराब हो जाते हैं। ओ गॉड, लेकिन तुमने इतने छोटे गले वाला कुर्ता पहना क्यों? इसका गला छोटा नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होगा मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पर मुझे क्या पता था कि कुर्ता ही फंस जाएगा, अब क्या करें? कौन है? दिव्या दीदी प्लीज आप किसी को अंदर मत आने देना। कौन? वर्षा? हे भगवान, कहीं बाराती तो नहीं? ओ नो, दिव्या दीदी प्लीज आप उन्हें बाहर ही रोक दीजिए। ठीक है मैं देखती हूँ। अरे मैडम, नहीं नहीं नहीं। अरे कौन है आप? या 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 इधर 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 इधर। अरे रुकिए, सुनिए तो मेरी बात। हाँ ठीक है ठीक है, इस्तेमाल कीजिए। अरे अरे आप ये क्या? अरे सुनिए तो मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरे फोटो क्यों खींच रहे हैं? अरे दुल्हन आपके लिए फोटो खींचेंगे तो फिर किसकी खींचेंगे? लेकिन मैं दुल्हन नहीं हूँ। तो फिर दुल्हन कहाँ है और आप कौन है? पीछे क्यों खड़ी है? अरे हाँ
हाँ, वैसे तो सबको शौक होता है फोटो खिंचवाने का। हटिए। देखिए दुल्हन अभी तैयार हो रही है, उसे तैयार होने में वक्त लगेगा। आप तब तक बाहर चले जाइए, मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है? और वैसे भी अभी बारात तो आ गई है ना बाहर, तो सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप यहाँ क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? जाइए बाहर जाके पहले फोटो खींचिए। बारात पहुँच गई? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, सब आपको ढूंढ रहे हैं। मैं बस अभी आया। हे भगवान, ये शौर्य ने भी किस नमूने को बुला लिया है सच में। अरे हमारी दुल्हन कहाँ है? यहाँ। अरे तू अब तक तैयार नहीं हुई? क्या करें, हम लोग एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब क्या बताइए ना, मैं क्या करूं? हे भगवान, कहीं वो लोग तो नहीं आ गए? रश्मिया, एक मिनट। क्या है? दुल्हन को तैयार रहने के लिए बोले। अब हाँ ठीक है। लगता है जयमाला होने वाली है। देखिए ना दिव्या दीदी, बारात भी आ चुकी है और मैं अभी तक ऐसी ही। देखो अक्षरा प्लीज, अब रोना मत, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा और अगर आंखें सूज गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ प्लीज। दिव्या दीदी ठीक कह रही है। और दिव्या दीदी बताइए ना क्या करें? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बालों को खोलकर दोबारा से करें? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे ही मुझे 2 घंटे लग गए इन बालों को बनाने के लिए, अब दोबारा तो हो ही नहीं सकता। क्या करें? हाँ एक काम करते हैं, अक्षरा तुम इस ड्रेस के ऊपर ही वो पहन लो, मैं पीछे से इसको सब कवर कर दूंगी, ठीक है? नहीं दिव्या दीदी, सब दिखेगा, छुपेगा थोड़ी। नहीं इस तरीका है क्या? इसके बालों को छोटा कर देते हैं। अरे अक्षरा क्या हुआ, जल्दी बाहर आओ, दिखाओ तो अपने नए रूप में कैसी लग रही हो। हाँ माँ बहुत गुस्सा करेंगी, हमने पूरे काट दिए, लेकिन और कर भी क्या सकते थे। अक्षरा अब जो होना था वो हो गया, बस अब तुम जल्दी से बाहर आओ। हाँ। मेकअप का टचअप भी तो करना है, टाइम कहाँ है अपने पास। बेरहमी से काटा गया है ना। बेचारा शहीद हो गया तुम्हारे लिए। इतने सारे टुकड़ों में तेरे अतीत की तरह अब मैडम नए लिबास में दिखेंगी, पुराने तो छूटने हैं ना। अब चलो लेट नहीं करना है, टाइम नहीं है ना हमारे पास, जल्दी तैयार करना है ना। आ जा आराम से। दिखाओ। क्या दिन था ना आज, यकीन नहीं आता क्या ये मेरी शादी है। उफ, क्या क्या नहीं हुआ आज। दिन तो अब शुरू होगा, ये तो सिर्फ तैयारियां थी, शादी तो अब होगी। Oh, oh, oh.
जरा देख तो, कितनी प्यारी लग रही है। नैतिक जी तो तुझ पर ऐसे ही फिदा थे, अब तो धराशायी हो जाएंगे। ये रिश्ता क्या है?